मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक को खत्म करने के लिए उलमा अहले सुन्नत की मुसालहती कमेटी ने हुकूमत से बड़ा मुतालिबा कर दिया है। उलमा अहले सुन्नत ने मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात की दरख्वास्त की है। उस्मान खान से जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा मजीद क्या मुतालिबात किए गए इस कमेटी की जानिब से। जी बिल्कुल, मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए, उलमा अहले सुन्नत की मुसालहती कमेटी ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा किया है। उलमा अहले सुन्नत ने मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुसालियाती कमेटी की साद रिजवी से मुलाकात करवाई गई। कमेटी ने गुजरात रोज सदर मुमलिकत से अपील की थी, जबकि आज जो वजीर आजम से मुलाकात हुई होगी उसमें भी वो अपील करेंगे कि उनकी साद रिजवी से मुलाकात करवाई जाए। मुसालियाती कमेटी का कहना है के साथ रिजवी से मुलाकात करके मामलात को फॉर्म तस्लीम के साथ हल करने पर आमादा करेंगे। दोनों तरफ से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और मामले को जल्द हल करना होगा। मुसालियाती कमेटी ने कहा है कि मामला सिर्फ मुजाकरात से हल होंगे, ताकत का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा। आज जब वजीर आजम से मुसालियाती कमेटी की जो मुलाकात चल रही है, इसमें भी मुसालियाती कमेटी वजीर आजम से ये अपील करेगी कि उनकी साद रिजवी से मुलाकात करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका।